भैया क्या जबर डांस किए हैं। भाऊजी नमस्ते। क्या कर रहे हैं भैया? यार हम सिंगल हैं, इतने आप इतने लोगों की शादी कराई है भैया, हमारी काई नहीं कराई, हम भी तो सिंगल हैं। अबे तुम जैसे लड़कों की शादी नहीं, सिर्फ डिवोर्स होता है बे। भैया एक लड़की पसंद है वैसे हमें। लड़की पसंद है तुम्हें? लड़की पसंद करी, इतनी हिम्मत, जिंदा लड़की वो मेरे को लड़का। भाई लड़की तेरे को पसंद करती कि नहीं करती है? भैया एक लड़की है, डिमांड है छोटी सी, वैसे ऐसी शक्ल पे डिमांड बनती नहीं है। मैं बताओ 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 भैया। भैया ऐसी शक्ल पे क्या डिमांड करूं मैं, मुझे कियारा भी चलेगी बाबा। किसके लिए चलेगी? उसको रिक्शा में लेके जाएगा बाबा। हाँ मेरा एक छोटा सा सवाल था, छोटा सवाल था। पहले बात बताओ, सुबह से कुछ खाए हो? नहीं भैया कुछ भी नहीं खाए हैं। और खाओगे? नहीं भैया पेट भर गया। हाँ जिस काम के लिए आया वो कर लें। हाँ जल्दी बोल बे, क्या लड़की वड़की क्या बोल रहा था तू? मैं कह रहा था भैया एक लड़की पसंद है हमें। अबे यार, अबे ऐसे से लड़कों के वजह से भाई शब्द ना शुरू हुआ है। तुम भैया बनाने लायक हो, सैया बनाने लायक नहीं हो। तो कहेगी लड़की? और सुन बे, ज्यादा फुटेज मत का, किसके लिए बुलाया इनको हमने यहाँ पे? मैं वही पूछने जा रहा था, इतनी बेइज्जती भौजी ने हमारी कर ली, जिस काम के लिए वो कर लें। तो बाबा इतने सवाल जो मैंने पूछे हैं, हाँ जी, आज मैं एक भी सवाल नहीं पूछूंगा। काहे बे? हमने बुलाए हुए हैं। अच्छा तो जिसके भैया सवाल है पूछ लें। और मैं आई वुड लाइक टू कॉल आवर प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑन द स्टेज प्लीज, प्रशांत सर, चैलेंज जी। We are going to take only the fun questions, no boring questions. बिल्कुल। है ना? जिसका सबसे interesting question होगा उसका जवाब पहले दिया जाएगा। पहले number पे कौन है? हाँ जी। उनके हाथ खड़े हो। हाँ, blue कुर्ता। मेरा सवाल है, मेरा सवाल आप दोनों से, परिणीति सिद्धार्थ। Hello ma'am. Hi hi. Hello hi. जो बिहार है, बिहार आप दोनों का नहीं है, आप बिहार को belong नहीं करते हैं, आप दिल्ली से आते हैं। हालांकि वहाँ भी हिंदी बोली जाती है और इस तरह की भाषा यूपी के रहने से आई है, लेकिन फिर भी जो डिक्शन पे और खासतौर पे बोली पर आप लोगों ने क्या काम किया और कौन आपके साथ थे ट्रेनर जिन्होंने आपको ट्रेन किया? मैम हम एक्चुअली बहुत लकी थे कि हमारे जो डायरेक्टर हैं वो उस एरिया से हैं, तो वो अपने डायरेक्टर और राइटर ऑफकोर्स उसी स्टेट से हैं, और जो हम यहाँ भाषा बोल रहे हैं उसको पटनैया कहते हैं, जो पटना की हिंदी बोलते हैं जिसमें सबका मिक्स है, जितने आपके जैसे मैथिली, भोजपुरी और मगही का मिक्स जो होता है, तो हमने वो एक्सेंट इस्तेमाल किया है क्योंकि हिंदी पिक्चर है। तो परी और हमने आई थिंक तकरीबन हम सब ने 2 महीना कम से कम उससे पहले इस सब की रिहर्सल करी, ट्रेनिंग ली। अजय जी हमारे डिक्शन कोच हैं, जो आज शायद यहाँ पे है कि नहीं है, नहीं है तो, और बाकी हमारे डायरेक्टर साहब जो स्टेट से हैं उन्होंने बहुत मदद करी और परी ने एक्स्ट्रा मदद करी। जो इसमें परी ने बताया कि गलत क्या क्या है इसमें कि क्या क्या नहीं करना चाहिए इसमें जो आप लोग, क्योंकि मैं होटल में थी ना, मैं मेरे पास बहुत टाइम था। हाँ, परी होटल में थी। इसमें जो आप लोगों के कैरेक्टर्स हैं वो थोड़े से लाउड हैं, तो उसे इतना नेचुरल वे में लाने के लिए आप लोगों ने क्या क्या किया? उसको क्या कहते हैं, एक्टिंग। तो ये हमारा काम है, हमने जब स्क्रिप्ट पढ़ी, हमने जब कैरेक्टर्स देखे, इन्होंने जब हमें ब्रीफ दिया, जो राइटर्स आके बताया गया, चाहे शैलेश जी हो, प्रशांत हो, तो वही एक्साइटमेंट थी कि जो परी और हमने पहले नहीं किया उसको अच्छी तरह दर्शाना। इसमें बहुत मस्ती, काफ़ी लाउड पिक्चर है, उस स्टेट को बहुत ही कलरफुल तरीके से दर्शाया इन्होंने, जिसमें लव स्टोरी भी है, जिसमें एक इशू भी है जो कहते हैं पकड़वा विवाह। तो काफ़ी मेहनत हुई उसके लिए, रिहर्सल जो हम करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं हम लोग। आपने क्या क्या मेहनत करी परी जी? कई बार एक्चुअली हम लोग टेक्स दूसरी बार इसलिए करते थे क्योंकि हमने कुछ शायद सब कुछ सही किया बट कुछ सही बोला नहीं, तो मैनी टाइम्स प्रशांत यूज टू टेल अस कि बाकी सब कुछ ठीक है लेकिन आपने गलत बोला, तो कई बार हम दोनों शॉर्टकट लेना चाहते थे और हम बोलते थे हम सर डबिंग में ठीक कर देंगे, बट ही वॉज वेरी पर्टिकुलर कि नहीं मुझे अभी सेट पे चाहिए। सो आई थिंक लैंग्वेज वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस फिल्म, बट आई थिंक इट वॉज द रीजन वी साइन द फिल्म, क्योंकि ये वर्ल्ड हम दोनों ने नहीं किया है, ये ऐसा बोलना या इस तरह का लहजा, बहुत मज़ा आया एक्चुअली। एंड
नॉट ओनली बोथ ऑफ अस द होल कास्ट सबको बहुत मजा आया ऐसे बात हम ऑफ स्क्रीन भी ऐसे ही बात करते थे हेलो सिद्धार्थ हेलो एक मिनट वो माइक की वॉल्यूम्स बढ़ा दो गाइस हेलो सिद्धार्थ इधर हां जी किधर है इधर अच्छा वहीं है सारा ग्रुप म्यूजिक लॉन्च के लिए आप ये थिएटर क्यों चूज किया बिल्कुल शूट भी किया बाबा हमको ये लोकेशन फ्री में मिल गई एक तो ओ प्रोड्यूसर कह रहे नहीं नहीं पैसे दिए नहीं नहीं बजट की बातें मत खोलो अभी तुम से okay, okay. बाद में बात करेंगे दो रीजंस है एक तो हमने इस थिएटर में शूट किया है बिल्कुल तो ये थिएटर आपको पिक्चर में दिखेगा और ये आई थिंक इकलौता थिएटर है जो अंधेरी का भोजपुरी फिल्म है यहीं पे चलती है बिल्कुल यहीं चलती है उस स्टेज की पिक्चर यहां पे नहीं आते तो कहां जाते प्रशांत जी मेरा सवाल आपसे है आप बिहार से हैं और ये जो इस तरह की जो शादियां होती हैं वो एक बहुत बड़ा इशू बन गया है क्योंकि उसमें लड़की की भी जिंदगी दांव पर रहती है क्योंकि एक बार सिर्फ शादी नहीं बाद में उसको ससुराल भी जाना होता है तो इस इशू को आपने सिर्फ कॉमेडी के वे में लिया है या उस पर एक कुछ सुलझा सॉल्यूशन भी दिया है जबरिया जोड़ी में नहीं इसको दिखाने का तरीका जो है हमारा मस्ती का है लेकिन उसमें हमने ये बात जरूर कही है कि ये दोनों के लिए अच्छा नहीं होता जबरिया कुछ भी अच्छा नहीं होता तो ये बात आपको फिल्म में किस तरह से कहानी में आएगी वो फिल्म देख के आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे परिणीति Yes, sir. निधि आपका पोस्टर में लुक देख के ऐसा लग रहा है कि एक और देसी गर्ल तैयार है और एक देसी गर्ल पहले ही धमाल मचा चुकी है तो देख के ऐसा लगता है कि साथ में दोनों देसी गर्ल आती है तो कितना धमाल होता तो कुछ इस बारे में बता सकती हैं आप अब मैं क्या बोलूं आई थिंक इस इंडस्ट्री में और इस दुनिया में एक ही देसी गर्ल हो सकती है मैं कोशिश भी नहीं करूंगी बट हम दोनों आई थिंक बहुत देसी हैं इस फिल्म में उतना ही कहूंगी आई थिंक मैं कुछ और नहीं कह सकती बिकॉज देयर इज ओनली वन एंड ओनली द ओरिजिनल देसी गर्ल एंड नोबडी एल्स कैन टेक हर प्लेस साथ में आने वाले अभी कभी फिल्म कुछ बात एक फिल्म में ऑफ कोर्स अगर स्क्रिप्ट करेक्ट हो तो डेफिनेटली वी वुड लव टू डू अ फिल्म टुगेदर एंड अभी मैंने रिसेंटली बोला भी था इफ देयर इज एन एक्शन फिल्म कोई अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टर सुन रहा है तो या वी वुड लव टू डू एन एक्शन फिल्म टुगेदर वी हम लोग बहुत बात करते हैं कि कुछ साथ में करना चाहिए बट इट शुड बी करेक्ट जी मैं लास्ट सवाल पूछूंगा आप दोनों से सिद्धार्थ आप दोनों से कि हम देखते हैं कि फिटनेस के मामले में लोग सेलिब्रिटीज को बहुत फॉलो करते हैं और रिसेंटली एक फिटनेस कंपनी ने सर्वे किया जिसमें एक पॉलिटिशियन जो है सब एक्टर्स को पीछे छोड़ गए वो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं क्या कहेंगे इस पे इससे अच्छी चीज कोई हो ही नहीं सकती हमारे देश का लीडर इज सेटिंग द राइट एग्जांपल एंड आपको और कोई आइडल की जरूरत ही नहीं है यू जस्ट हैव टू लुक एट द मैन हिमसेल्फ एंड योगा करते हैं नहीं करते झूठ मत बोलो यार ऐसा फिर देखो उनका काम आप प्रमोट कीजिए ना फिर वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं हम सबको मिलके फिटनेस जो योगा है चाहे वो बाकी फिटनेस हो या एक्सरसाइज हो स्पोर्ट्स हो आई थिंक बहुत ही अच्छा मुद्दा है और उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं हम बहुत ही खुश हैं और खुद भी फिट होने की कोशिश देने की कोशिश करते हैं तो बाबा मैंने भी शुरू कर दिया हां इसने भी शुरू कर दिया इसका वजन 5 किलो ज्यादा था फिल्म में पूरी पिक्चर में निकल गया इंस्पायर्ड बाय बाबा इतने थप्पड़ खाए इसने सिद्धार्थ सो आई जस्ट वांट टू आस्क दैट हाउ डिफरेंट इट इज लाइक द कैरेक्टर्स एंड लव स्टोरी ओवर देयर वाज वेरी मच अर्बन एंड दिस इज लाइक वेरी मच मासी सो आई वांट टू आस्क दैट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन देम हाउ इट इज कूल फॉर यू गाइस लाइक यू गाइस आर वर्किंग अगेन आई पर्सनली एम अ बिग फैन द डिफरेंस है तब परिणीति के बाल काले थे अब इनके बाल Yours also. मेरे भी. सिड के भी बाल. मेरे बाल लंबे थे, अब मेरे बाल छोटे हैं. रंग आ गए. आपने खुद ही डिफरेंस बोल दिया एक्चुअली कि हम बहुत ही अर्बन दुनिया में आए थे और ये दुनिया एकदम अलग है. पर अगर हमारे रिश्ते की बात करें, हमारी जो एक किस्म की दोस्ती है या जिस बैकग्राउंड से हम दोनों आते हैं वो कॉमन है और वो शुरुआत से ही हमारा एक बॉन्ड रहा है. यू नो दैट बोथ ऑफ अस हैव कम फ्रॉम आउटसाइड द सिटी, सिमिलर बैकग्राउंड्स, सिमिलर कल्चर्स. And we've always bonded on that. But यहाँ पे हमने उस सब को छोड़ के एक बहुत ही अलग किरदार पकड़े हैं जो प्रशांत जी ने डायरेक्ट किए हैं. तो आपको क्या लगता है कि हम कितने अलग हैं? जिससे इससे कोई सवाल पूछ रहे तो मैं पूछ लेता यार. बहुत ही ज्यादा अलग. Guys, यार उनका माइक का वॉल्यूम बढ़ाओ ना. आप ऐसे जोर से बोलो, जोर से. Okay, guys, you said that your friendship, your we can see your friendship, but also during movie any funny incident which took place during the shooting of the movie? Which you guys like to share any of those incidents?
चुटकुले ये सुनाती है सेट पे भी, ये चुटकुला सुनाएंगे एक। अरे डोंट सर्च मी, नहीं यू नो मैं सब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में या इवेंट्स में ये मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल सवाल लगता है और ये हमेशा पूछा जाता है कि प्लीज टेल अस अ फनी इंसिडेंट, बट शूट किया था एंड आई मीन इट वॉज जस्ट इनसेनली हॉट, बट अदर देन दैट द शूट हमने पहली बार लिट्टी चोखा खाया जो परी जी ने एक सीन में खाना था, लेकिन मैंने शायद एक से ज्यादा खाए हो, मे बी आई एम नॉट कंफर्मिंग। हां जो लिट्टी चोखा की रिक्वायरमेंट थी वो हमने कम दी थी शायद। इट वाज अ फन शूट गाइस इन अ नटशेल। चलो क्विकली लास्ट मैम। हाय सिद्धार्थ एंड परिणीति, सो परिणीति सिद्धार्थ को हमने देख लिया डांस करते हुए, लेकिन ऑब्वियसली आपके फैंस आपको भी इस तरीके से डांस करते देखना चाहेंगे, तो आप इस फिल्म में डांस करने वाली हैं या नहीं? ऐसे ये है वो शख्स जिससे ये सवाल पूछा जाए। अरे हमने इनको बहुत नचाया, बहुत देखेंगे अभी, बहुत कुछ आने वाला आगे। मैंने क्लासी में थोड़ा सा डांस किया, देखिए पिक्चर में क्या क्या करती हैं। सेकंड अगस्त को नचवाती हूँ। सर आपने क्यों नहीं लिया इस गाने में परिणीति को, क्यों नहीं लिया? यस प्रशांत आंसर दिस क्वेश्चन। ये कहानी की जरूरत थी, उस कहानी में एक वक्त पे सिर्फ एक ही कैरेक्टर था तो वो एक कैरेक्टर अकेला नाच रहा था, दूसरे कैरेक्टर की कहानी अलग चलती है, उनका एक अलग इंटरेक्शन आता है। आई एम विद यू, आई एम आल्सो वेरी सैड। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।